नमस्कार, माई सेल्फ हेमलता नागर, प्रिंसिपल किड्स ही कमला नगर, एंड हेयर आई एम टू फुलफिल माई प्रॉमिस दैट वी विल बी स्टे कनेक्टेड थ्रू ई लर्निंग. एंड टूडे हेयर आई विल बी शेयरिंग यूजफुल पेरेंटिंग टिप, एंड द टॉपिक इज टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेज. सो एज वी ऑल नो, वेदर यू आर अ मदर, अ फादर और अ किड, वी मे हैव डिफरेंट चॉइसेज इन सेम फील्ड. लाइक मदर चाहती है कि बच्चे मेरे हिसाब से ही कपड़े पहने, नहीं आज भी मेरे ही कलर का कपड़ा पहने, आज कल भी मेरे हिसाब से, परसों वहाँ फंक्शन में जाना है तो मेरे हिसाब से. पर बच्चा एक दिन आपके हिसाब से पहन सकता है, दो दिन आपके हिसाब से पहन सकता है, बट थर्ड डे वो नहीं पहनना एंड वो अपनी जिद पर है. सो इन सच अ केस वी एज अ पेरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द इंडिविजुअल चॉइस ऑफ योर किड कि उसको वो कलर पहनना है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट. ठीक है, हमेशा ही हम पेरेंट्स की चॉइस नहीं चल सकती है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द चॉइस ऑफ आवर किड ऑल्सो. सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर किड. अब बच्चा भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा. एंड द सेम थिंग वी हैव टू मेक अंडरस्टैंड टू आवर किड्स ऑल्सो. लाइक एक दिन बच्चे की पसंद का खाना बन गया, दूसरे दिन भी बच्चे ने बोला नहीं मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तीसरे दिन बच्चे ने बोला मुझे बर्गर चाहिए, एंड यू आर कीप ऑन मेकिंग द फूड ऑफ हिज चॉइस. आपने चार दिन, पांच दिन, छह दिन उसी की पसंद का खाना बनाया. सो नहीं, आपको ये नहीं करना है. यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड योर चाइल्ड कि एक दिन आपकी पसंद का बनेगा, एक दिन पापा की पसंद का खाना बनेगा, एक दिन मम्मा की पसंद का खाना बनेगा. सो आपको एज अ चाइल्ड आपको भी अपने मम्मा पापा के चॉइस की प्रेफरेंस रखनी है और उसको रिस्पेक्ट करना है. सो दिस वे वी एज अ पेरेंट हमें भी अपने बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना है, और बच्चों को भी सिखाना है कि वो अपने पेरेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करें. सो दिस वे जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, सो हम थोड़ा सा कूल एंड काम अपने रिलेशंस में हो पाते हैं. सो प्लीज ट्राई इट एंड रिवर्ट कीजिएगा मुझे. नमस्कार.